नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमेन। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक मैसेज देना है आप सभी दर्शकों को, एक इम्पॉर्टेंट सा। ये एक हाल ही में एक मूवी निकला है 2.0, ठीक है, अक्षय कुमार और से लेके ही ये वीडियो है। वो बेसिकली विलेन है और वो एक बर्ड्स लवर है, ठीक है। जो है रोबोट निकला था, रोबोट का ये पार्ट टू टाइप आप बोल सकते हैं। रजनीकांत जो है वो भी थे इस वीडियो में। वो बेसिकली साइंटिस्ट है, ठीक है, चिट्ठी वाला वो बनाए थे। तो उन दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो बेसिकली क्या है कि ये वीडियो आप लोगों को जो बताना है वो है कि वो मूवी को देखने के लिए, वो मूवी को देख के आप लोगों को इंस्पायर होने के लिए, और वो मूवी में क्या क्या बोला गया है, जो दर्शकों को, पब्लिक को, आम पब्लिक को जो मैसेज दिया गया है, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो मेरा ये चैनल ऑब्वियसली मालूम है आप सभी को, पेट्स एम्पायर नाम है। पेट्स एंड एनिमल रिलेटेड हर एक टॉपिक को मैं कवर करता हूँ, ठीक है, चाहे वो छोटे इंसेक्ट हो या बर्ड हो, ठीक है, गाय बकरी सभी को टॉपिक मैं करता हूँ, कवर करता हूँ। तो ये मूवी में बेसिकली अक्षय कुमार जी जो थे वो एक बर्ड्स लवर थे, ठीक है, बचपन से वो बर्ड्स पाल रहे थे। और ये मूवी बेसिकली जो वाइल्ड बर्ड्स है इसी के लिए ही फिगर आउट करके बनाया गया है। तो ये वाइल्ड बर्ड्स है, अक्षय कुमार और भी बहुत सारे जो पेट बर्ड हैं वो सब पाल रहे थे बचपन से, अक्षय कुमार जी पाल रहे थे। और एक दिन देखे कि सब कुछ बर्ड्स मर के गिर रहे हैं और अंडे के जो सेल है वो पतले हो जा रहे थे और अंडों में जो कैल्शियम की कमी हो रही थी, अंडे में बच्चे ठीक तरीके से निकल नहीं रहे थे, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब देख के अक्षय कुमार ने टोटल रिसर्च किया, ठीक है, जाना देखा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी। फूड वूड सब कुछ मिल रहा था, पहले तो ये नहीं होता था। प्रॉब्लम है ये मोबाइल टावर को लेकर, मोबाइल में जो सिग्नल होती है उस सिग्नल को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, उस सिग्नल के कारण से ये सब हो रहा है। अभी तो 2G जब था तो ठीक था, उसमें लेकर 4G आया, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G आया, 5G की तरफ जा रहा है। तो धीरे धीरे जब अपडेट हो रहा है तो नेटवर्क भी स्ट्रांग हो रहा है और सभी को मोबाइल में सिग्नल ठीक तरीके से नहीं मिलता, इसलिए सभी चाहते हैं कि फटाक से सिग्नल कॉल पकड़े, इंटरनेट फटाक से हो। इसके लिए मोबाइल टावर में जो सिस्टम है उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, टावर बढ़ाए जा रहे हैं, सिग्नल को स्ट्रांग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से छोटे छोटे जो बर्ड्स है, वाइल्ड बर्ड्स, उनको प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो बर्ड्स मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले दिखाए जाते थे वो बर्ड्स अभी नहीं दिखाए जाते हैं। छोटे छोटे जो चिड़िया होते हैं, जो वाइल्ड चिड़िया हम लोग जैसे बंगाली में चौड़ाई बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। आज से 10 साल 8 साल पहले जो दिखाई देते थे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गए। डव जो इंडियन डव होते वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। शालिक बोलते हैं हम लोग एक तरीके का, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। इंडियन जो भी बर्ड्स है सभी बहुत ज़्यादा कम तादाद में अभी दिखते हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं होता है। पेड़ को काट दिया जाता है, इसकी वजह से वो लोग घोंसला नहीं बना पाते, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो चुके हैं इसलिए भी उनको प्रॉब्लम होती है। और नेचुरल जो चीज़ बर्ड्स को चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, फूड की कमी हो रही है, पेड़ पौधे नहीं है, फल नहीं है, तो बर्ड्स खाएगा क्या है? जंगलों में जा रहे हैं, जंगल भी काटे जा रहे हैं। और ये जो नेटवर्क की जो सिग्नल है 4G 5G सिग्नल, इससे जो रेडिएशन फैलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब वाला फैलता है। आप अक्षय कुमार जी से उनके मुंह से इस वीडियो से कुछ मूवी से कुछ फुटेज मैंने काट के इसमें ऐड किया, वो भी ज़रा सुन लीजिए कि क्या कहते हैं वो। इस रेडिएशन की वजह से पक्षी के अंडे बगैर मास्क के कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अंडे सेकने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो दर्शक बंधु, देखा आपने कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। ये प्रॉब्लम आपको लगेगा कि हाँ मूवी तो ऐसे ही पैसा कमाने के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्ची ये घटना घट रही है। मैंने ये नोटिस किया है पिछले 8-10 साल के मुकाबले अभी जो है कि वाइल्ड बर्ड्स बहुत ही कम हो गए हैं। हम लोग जो पेट बर्ड पालते हैं, जो विदेशी बर्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलिया, ब्राज़ील के या अमेरिकन के, ठीक है, तो ये सब बर्ड्स की फार्मिंग तो हम लोग करते हैं, घर में रख के करते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम इनको नहीं होती। अच्छी केयर करते हैं, फूड देते, जो कैल्शियम की कमी होती है वो सब हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, मेडिसिन देके एकदम अच्छा फूड देते हैं। लेकिन हाल ही में एक मतलब मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, पेट लवर एसोसिएशन ऐसा कुछ हो रहा है, वो लोग सरकार के ऊपर कुछ बात रख रहे हैं, सरकार इनके हम जो पेट लवर और इंडिया के इनके ऊपर सरकार ने कुछ बात रखी है कि बर्ड्स को लेके कि कुछ केज साइज, कुछ रूल्स, ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ये सब बना रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा
जो भी सरकार की तरफ से ये सब रूल बना रहे हैं, हम लोग वाइल्ड बर्ड्स को तो उतनी केयर नहीं कर पाते, बस कुछ लोग फूड दे देते हैं, सुबह उठ के थोड़ा सा चारा डाल देते हैं, पानी रख देते हैं कबूतर, वाइल्ड कबूतर के लिए। लेकिन हम लोग जो घर में बर्ड्स रखते हैं बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं, इसकी वजह से ही इसका फार्मिंग या इसकी जो तादाद है अभी तक कम नहीं हुई, लेकिन वाइल्ड बर्ड्स का कम हो रहा है। मैं ही बोलना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो भी ये सब रूल बना रहे हैं वो वाइल्ड बर्ड्स की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स कम हो रहे हैं दुनिया से, इंडिया से बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब लोग फोकस कीजिए वाइल्ड बर्ड्स की तरफ, ना कि जो हम लोग केज बर्ड्स पालते हैं, क्योंकि इनका ब्रीडिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत ही तादाद में ये हुआ है। जिसकी पोल्ट्री, ब्रॉयलर मुर्गी, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब अगर आप बोलेंगे कि ये गलत है तो नहीं, अगर आप बोलेंगे ये सही है जैसे हम लोग इसे खा रहे हैं, तो इसका देखिए फार्मिंग कितना ज़ोरों शोरों से हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है कि ये कमता नहीं है, घटता नहीं है, बकरी पालन, गाय भैंस पालन कमता नहीं है, लेकिन वाइल्ड बर्ड्स हम लोग पालते नहीं कोई भी, और सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं होती। सरकार ये जो क्या बोलते हैं पेट बर्ड्स की तरफ ही ज़्यादा फोकस करिए, डॉग्स की तरफ, फिशेस की तरफ, ठीक है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि वाइल्ड बर्ड्स की तरफ सरकार को फोकस करना चाहिए, मैं तो यही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर भी एक बार देखिए कि वाइल्ड बर्ड्स 8-10 साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब कारण हो रहा है, टावर का प्रॉब्लम, पेड़ पौधे काट देने का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, फूड का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो वाइल्ड बर्ड्स की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। एक बात मैं लास्ट में यही कहूँगा कि यही है वीडियो में, मूवी में यही कहा गया है, तो आप एक बार जो रजनीकांत जो सर है लास्ट में ये वीडियो में उन्होंने यही बात कही है, वो भी ज़रा सुन लीजिए। उनके वीडियो का एक छोटा फुटेज मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। मनुष्य को जिंदा रखते हैं बाकी जीव जंतु, रेडिएशन को घटाना होगा, नेटवर्क को कम करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी से कोई अन्य जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा रूल होना चाहिए। ये भूमि हमारी प्रॉपर्टी नहीं, इसके हर एक प्राणी का इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है। पक्षियों को हम बचाएंगे, एटलीस्ट गर्मियों में उनके लिए हम पानी तो रख ही सकते हैं, ये होगा मनुष्य का परिचय। तो देखा आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो और पूरी की पूरी मूवी की बात, तो आशा करते हैं कि टोटल वीडियो और टोटल मूवी आप ज़रूर देखेंगे, मूवी को फॉलो करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे और सरकार लोग भी उस हिसाब से काम करेंगे। मैं तो यही जस्ट बोल सकता हूँ आम पब्लिक हूँ, बट हम जो आम लोग होते हैं, बर्ड्स लवर होते हैं, बर्ड्स लवर होते हैं, इनको भी केयर करना चाहिए। जैसे कि रजनीकांत सर ने कहा है कि थोड़ा सा फूड तो सुबह डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी का बर्तन तो छत में रख सकते हैं वाइल्ड बर्ड्स के लिए, तो यही आप लोग कीजिएगा, सभी लोग कीजिएगा, पानी के बर्तन रखिएगा क्योंकि उनको पानी पीने में आसानी होती है, क्योंकि अभी तो तालाब बगड़ा उतना नहीं है, और नल में भी पानी बोलते हैं कि नल का पानी जो है कि बंद कर देने के लिए पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो पानी ही नहीं है, नदी तो सब जगह नहीं है कि बर्ड्स जाके नदी में पानी पिए, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में, हर एक शहर में तो नदी नहीं होती, और तालाब भी ठीक तरीके से क्लीन तालाब नहीं होता, क्योंकि अभी आजकल के दिनों में तालाब में कोई नहीं नहाता, गाँव में भी होगा 2-4 तालाब नहाते ही हैं, लेकिन शहरों में तो तालाब में उतना नहाता नहीं कोई, जस्ट ऐसे ही गंदा पानी उसमें जमा होता है, नल का गंदा पानी, तो बर्ड्स लोग पानी नहीं पी पाते और खराब पानी पीते एक्सपायर हो जाते हैं, अंडे का सेल बर्बाद हो जाता है, टावर की वजह से सेल पतला होता है, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो आप पानी ज़रूर रखिए छत के ऊपर, या कोई भाई पेड़ लगा रहे तो पानी ज़रूर रखिए छत के ऊपर, फूड देने की कोशिश करिए कौओं को, चील कौओं को, और भी जितने भी वाइल्ड बर्ड्स आते हैं। तो मेरा यही है लास्ट में कहना, तो देखते रहिए पेट्स एम्पायर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।